वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत को कहा है कि नए आईजी के लिए दरख्वास्त पर गौर जारी है, लेकिन फिलहाल कलीम इमाम ही इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध रहेंगे। ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से नए आईजी सिंध के लिए भेजे गए खत पर वफाक ने अपना जवाब भिजवा दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जवाबी मरासले में गया है कि सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं, लेकिन जब तक फैसला नहीं हो जाता कलीम इमाम ही आईजी सिंध रहेंगे, क्योंकि इस हवाले से हतमी फैसले तक एडिशनल आईजी को कायम मुकाम आईजी नहीं लगाया जा सकता। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के मरासले पर जवाबी खत की तैयारी शुरू कर दी है, और इस हवाले से वजीर आला मुराद अली शाह ने काबीना अरकान, सीनियर अफसरान और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। वाज़े रहे कि चंद रोज कबल सिंध हुकूमत ने आईजी कलीम इमाम की खदमात वफाक के सुपुर्द करने और नए आईजी की तैनाती के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा था।